ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है गुणग्राही। ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय ज्ञान और सद्गुणी भावना की बात अनेक विधियों से समझाते थे। बाबा ने हमें अनेकानेक वस्तुओं और जीव प्राणियों से गुण लेने की सूझ दी। यो तो बाबा ने हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी बना दी कि हम हरेक चीज अथवा व्यक्ति से गुण ही ग्रहण करें, परंतु फिर भी यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे कि बाबा ने किस किस वस्तु परिस्थिति व्यक्ति अथवा जीव प्राणी से क्या क्या गुण लेने की बुद्धि हमें दी अथवा क्या क्या अवगुण छोड़ने की शिक्षा दी। सागर से गंभीरता आदि गुण। पहला है, बाबा बहुत बार बच्चों के साथ सागर के किनारे पर जाकर बैठते थे। तब बाबा मधुर और स्नेहयुक्त शब्दों में कहते, बच्चे देखो सागर की लहरें कैसे बच्चों के पाँव तक आती है और फिर वापिस चली जाती है। आप भी तो ज्ञान सागर के बच्चे हैं। आप इस सागर से यह गुण ग्रहण करो कि अगर आपके मन में भी कभी माया की लहरें उठे तो आप भी उन्हें ऐसे ही वापिस लौटा दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग सागर में कचड़ा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वह सागर के अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। आप बच्चों के मन के अंदर भी कोई कचड़ा नहीं ठहरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गोताखोरों की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते, बच्चे देखो गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे मोती रत्न लाल आदि ले आते हैं। इनकी तरह आप भी विचार सागर का मंथन करो। आप भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाओ तो आपको भी बहुत ही अनमोल रत्न हीरे और मोती मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सागर कितना शांत गंभीर मर्यादित और भीतर में धैर्यवत भी है। भले इसके ऊपर लहरें हैं परंतु नीचे देखा जाए तो वह सदा शांत होता है। आप भी ऐसे ही शांत और धैर्यवत हो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, सागर के किनारे पड़े शालिग्रामों की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते, देखो पानी की लहरों और छींटों से पत्थर भी घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गए हैं। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों को सहन करेंगे और ज्ञान सागर की लहरों में लहराएंगे तो एक दिन आप भी ऐसे ही साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। बाबा हर एक तत्व से कोई न कोई गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते। प्रकृति के पांच तत्वों से गुण। पहला है अग्नि। बाबा कहते, बच्चे अग्नि में तपाने से ही सोने को शुद्ध किया जा सकता है। अग्नि सब कीचड़े को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार आत्मा को पवित्र बनने के लिए योग ही अग्नि है। शिव बाबा की याद से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल सकता है। सेकंड पॉइंट है वायु। बाबा कहते, मीठे बच्चे
योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भान नहीं रहता और उससे पापों का बोझ भी उतरता है। अतः योगयुक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती, सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खींच सकती। कभी बाबा कहते, बच्चे बाहर में बेहद में खुली हवा में जाने से दिल को खुशी और ताजगी महसूस होती है। अंदर कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि हम गर्भ जेल में बैठे हो। थर्ड पॉइंट है आकाश। इसी प्रकार जो बच्चा अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाता है, अर्थात जो संकुचित विचार वाला न होकर विशाल बुद्धि वाला होता है, सभी से मिलता जुलता और उच्च विचार करता है, वह भी सदा ताजा और खुश रहता है। जो हद में बैठता है, अर्थात छोटे ही दायरे में स्वयं को सीमित रखता है, वह भी मूंछा हुआ अर्थात उलझा हुआ और उदास सा लगता है। फोर्थ पॉइंट है जल। जल में वस्तुओं को धोने और शुद्ध करने का जो गुण है, उसकी चर्चा करते हुए बाबा कहते, बच्चे जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को धोने के लिए तो ज्ञान गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। जो लोग सोचते हैं कि जल गंगा में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं, वे भूल में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे जैसे आप शरीर को रोज स्नान कराते हो, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान किया करो। देखो जल एक जगह पर ठहरे रहने से दुर्गंधीपूर्ण हो जाता है और उपयोगी नहीं रहता। ऐसे ही आप ज्ञान गंगाओं को भी एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि जगह जगह जाकर दूसरों को भी ज्ञान जल से पावन करने की सेवा करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा के शीतलता रूपी गुण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बाबा कहते कि आप भी चंद्रमा समान शीतल बनो और 16 कला पवित्र बनो। अब अपनी ज्ञान और पवित्रता की कलाओं को बढ़ाकर पूर्णमासी की स्टेज तक ले आओ। सिक्स्थ पॉइंट है बादलों। बाबा कहते, बच्चे बादल सागर से जल भरकर मैदानों में आते हैं और वर्षा करके फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार आप भी यहाँ ज्ञान सागर के पास आकर स्वयं में ज्ञान जल भर जाते हो, फिर यहाँ से जाकर आपको दूसरों पर ज्ञान वर्षा करनी चाहिए ताकि वे भी हरे भरे हो। जो बच्चे यहाँ से जाकर दूसरी दूसरी जगह ज्ञान वर्षा नहीं करते, उनके बारे में बाबा समझते हैं कि वह बादल भरे नहीं है, वे खाली खाली है। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार एक एक तत्व से गुण लेने का पाठ पढ़ाते हुए बाबा कहते, बच्चे अब सभी तत्व भी तमोगुणी हो गए हैं, क्योंकि सभी मनुष्य तमोप्रधान बन गए हैं। इसलिए अब ये तत्व भी नियम को छोड़कर मनुष्य को दुख देने वाले बन गए हैं। ये बिगड़े हुए भी बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि
अकाल आदि आदि के रूप में भविष्य में सृष्टि के महाविनाश के निमित्त बनेंगे और मनुष्यात्माओं को घोर संकटों से घेरेंगे। अब अगर मनुष्य सुधर जाए तो ये भी सुधर जाएंगे। ये सभी मनुष्य के चरित्र पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः अब आप पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश करो और योग बल द्वारा इनकी भी सेवा करो। योग से ही सारी सृष्टि सतोप्रधान बनती है। बच्चे, आज अज्ञानी लोग तो सूर्य नमस्कार, वृक्ष पूजा, भूमि पूजा, नक्षत्र पूजा आदि आदि के रूप में तत्व पूजा अथवा भूमि पूजा करने लग गए हैं। अब आप इन सब को छोड़कर एक शिव बाबा को याद करो तो ये सभी तत्व भी वशीभूत हो जाएंगे और सुख देने वाले हो जाएंगे। फूलों और फलों से गुण। पहला है गुलाब। बाबा कहते, देखो गुलाब के फूल में यह गुण है कि उसकी सुगंधि बहुत लुभाने वाली होती है, उसकी बनावट भी अच्छी होती है और रंग ढंग भी। आप भी गुलाब की तरह खुशबूदार बनो और सदा खिले हुए अर्थात हर्षित मुख रहो। नेक्स्ट पॉइंट है कमल। कमल फूल में यह गुण है कि वह जल में अथवा दलदल में रहते हुए भी उनसे न्यारा और अलिप्त रहता है। उसका यह गुण आपको भी धारण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में यह गुण है कि जिधर जिधर सूर्य होता है उधर ही वह भी अपना मुख फेर लेता है। आपका मन भी सदा ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की ही ओर लगा रहना चाहिए। आप सदा सूर्यमुखी ही रहो अर्थात एक शिव बाबा से ही राय लो और ब्रह्मा बाबा के ही आचरण को देखो और उसका ही अनुसरण करो। नेक्स्ट पॉइंट है रात की रानी। इस फूल में यह गुण है कि वह फूल रात को बहुत सुगंधी देता है। आप भी इस कलयुग रूपी रात्रि में सबको दिव्य गुणों की सुगंधी दो। नेक्स्ट पॉइंट है अक का फूल। बाबा कहते, अक की तरह कड़वे मत बनो। देखो लोग शिव बाबा पर अक के फूल चढ़ाते हैं। आपके स्वभाव में भी जो कड़वापन अथवा कटुता है वह शिव बाबा के हवाले कर दो, उसे भेंट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है छुई मुई अथवा शरम बुटी या लाजवंती। शरम बुटी या लाजवंती का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, छुई मुई को हाथ लगाते ही वह मुरझा जाती है अथवा सिकुड़ जाती है। आपको वैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कड़वी बात कहे और आपके चेहरे पर मुरझाहट आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है टूह के फूल से उपमा देते हुए बाबा बताते, टूह का फूल रंग रूप और दिखावे की दृष्टि से तो अच्छा होता है परंतु उसमें सुगंधि जरा भी नहीं होती। टूह के फूल जैसा आप न बनना अर्थात आप ऐसा न बनना कि आप में दिव्य गुणों की सुगंधि तो हो ही नहीं, केवल दिखावा मात्र हो।
नेक्स्ट पॉइंट है कोई वत्स। यदि बाबा को कभी फूलों की माला भेंट करते तो बाबा कहते, नहीं बच्चे, मुझे तो आप चेतन फूल अथवा मानवी फूल चाहिए, जिन्हें मैं सतयुगी सृष्टि रूपी बगीचे में लगा सकूं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, बाप को गुलदस्ता देना चाहते हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करो कि अन्य जो काटे सम मनुष्य है उनको फूल बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कई तो फूल भी नहीं, हरे पत्ते ही होंगे, गुलदस्ते की वे भी शोभा होंगे, हरे पत्ते वे नर नारी है जिनमें ज्ञान की सुगंध तो है परंतु गुणों की सुगंध नहीं है, और वे इस दैवी गुलदस्ते के बाहर बाहर दूर दूर रहते हैं। आप स्वयं से पूछो कि आप फूल हैं या पत्ते। इस प्रकार बाबा फूलों का नाम ले लेकर भी पवित्रता, दिव्य गुण रूपी सुगंध, माया से अलिप्तता आदि आदि गुण हम बच्चों में भरते रहते। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें ज्ञान का रस भर जाता, जो योग से पक जाता, बाबा उसे फल मानते। इसलिए बहुत बार बाबा पूछते, बताओ आप कली हो, फूल हो या फल हो, आप में कहाँ तक ज्ञान का रस, योग का मिठास अथवा परिपक्वता या पुष्प की सुगंधी भरी है। फिर बाबा समझाते कि सभी बच्चों को नम्र स्वभाव का भी होना चाहिए, जैसे कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है ताकि लोग सहज ही फल को ले लेवे। यदि किसी में नम्रता नहीं है तो बाबा समझते कि उसे अभी फल और फूल नहीं लगे, बल्कि वह सूखा हुआ वृक्ष है। जीव प्राणियों से गुण। पहला है मोर और मोरनी। बाबा मोर और मोरनी के संबंध को पवित्र बताते और यह भी बताया करते कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है वह वास्तव में पवित्रता का सूचक है। मोर ही वास्तव में राष्ट्र पक्षी बनाए जाने के योग्य है, क्योंकि वह सतयुगी पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अतः बाबा कहते, बच्चे आप भी मोर मुकुटधारी बनने के लिए इस जन्म में योगी और निर्विकारी बनो, तो फिर सतयुग में आपको ताऊसी तख्त मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भृंगी और कीड़े का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, जैसे भृंगी कीड़े को अपने बिंबी में ले जाकर उसे बंद कर देती है और भू भू करके उसे भी अपने समान बना देती है, वैसे ही आप बच्चों जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है का भी यही कर्तव्य है कि आप कीड़ों की तरह विकारी मनुष्यों को ज्ञान सुना सुना कर अपने समान बना दे। भृंगी और ब्राह्मणी लगभग एक जाति है, अर्थात शब्द मिलते जुलते ही है। आप भी ईश्वरीय ज्ञान की गुंजार से शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का उच्च कर्तव्य करो, यह गुण आप भृंगी से सीखो। नेक्स्ट पॉइंट है पतंगा की उपमा देकर बाबा समझाते कि पतंगों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, दूसरे हैं
जो कि क्षमा का चक्कर लगाकर लोग जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी होती है जो कि जागती ज्योति अथवा चेतन क्षमा अर्थात परमात्मा पर फिदा हो जाती है, तन मन धन से न्योछावर हो जाती है। और अन्य बहुत सी आत्माएं तो क्षमा के पास आकर भी वापस चली जाती है। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें हम बताते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वे आकर और सुनकर लोग चले जाते हैं। अब आप वत्स सच्चे परवानों से यह गुण लो कि शिव बाबा पर कुर्बान हो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कछुआ। बाबा कहते कि बच्चे, जैसे कछुआ कार्य कर लेने के बाद कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आप बच्चों को भी चाहिए कि आवश्यक कार्य व्यवहार कर चुकने के बाद कर्मेंद्रियों को समेट ले और देह से न्यारे होकर शिव बाबा की स्मृति में स्थित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सर्प। बाबा सर्प में यह गुण बताते कि वह अपनी पुरानी खाल सहज ही उतारकर फेंक देता है। इसी प्रकार जो योगाभ्यास द्वारा शरीर भान को छोड़ना सीख जाता है, उसके फलस्वरूप सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में उसमें यह योग्यता होती है कि वह पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से तो सर्प में भी एक ऐसा गुण है जो कि आज के मनुष्य में नहीं है। इस योग्यता को धारण करने के लिए मनुष्य को योगाभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गधा। गधे की मिसाल देते हुए बाबा कहते कि खोदरे के पुट अर्थात गधे के पुत्र का लाख श्रृंगार करो, फिर भी वह मिट्टी में लोटपोट हो जाता है और सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है। वह खोदरा अर्थात गधा ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आप ज्ञान रूपी आभूषणों से इतना भी सजाइए, परंतु वे फिर जाकर विकारों रूपी धूल से लतपत हो जाते हैं। बाबा कहते कि आप बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी। मधुमक्खी सभी फूलों से रस को ले लेती है, यह गुण तो उसमें है ही। उसमें दूसरी विशेषता यह होती है कि सभी मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे जाती है। जब रानी एक छत्ते को छोड़कर जाती है तो वे भी सभी छोड़ जाती है। रानी के पीछे ही सदा वे सभी जाती है। इसका दृष्टांत देते हुए बाबा कहते कि कल्प के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं भी इसी प्रकार ही शिव बाबा के पीछे पीछे परमधाम रूपी छत्ते की ओर चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हंस। हंस में जो मोती चुगने की विशेषता है उसका हवाला देते हुए बाबा हमेशा कहते कि आप वत्स परम हंस और हंसनियों हो, क्योंकि आप ज्ञान रूपी मोती चुगते हो और आप में विवेक भी है। आपको बगुलों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंस और बगुले का कोई मेल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अजगर, ग्राह, हाथी अर्थात गज। माया की तुलना बाबा अजगर
या ग्राह से किया करते और ज्ञानवान वत्सों की तुलना हाथी से अथवा गज से। बाबा कहते, बच्चे सदा सावधान होकर चलना, कहीं ऐसा ना हो कि माया रूपी ग्राह आपको पकड़ ले। शिव बाबा को याद करते रहोगे तो माया रूपी ग्राह से छूट जाओगे, वरना माया ऐसा अजगर है कि यह मनुष्य को सारा ही निगल जाता है, अर्थात उसका सारा ज्ञान चट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट पक्षी या शतुर्मुर्ग के बारे में। बाबा बताया करते कि इस पक्षी की गर्दन आदि ऊंट की तरह होती है और शरीर पक्षी जैसा, परंतु यह काफी बड़े कद का होता है। इस पक्षी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है, कहते हैं कि ऊंट पक्षी से किसी ने कहा उड़ो, तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं तो ऊंट अर्थात शतुर हूँ, मैं उड़ कैसे सकता हूँ। फिर उसे कहा गया कि अच्छा, अगर आप शतुर है और उड़ नहीं सकते तो चलो और यह सामान लादकर ले चलो। तब वह बोला कि मैं सामान लादकर चल कैसे सकता हूँ, मैं तो पक्षी हूँ। कहने का भाव यह है कि वह करना कुछ भी नहीं चाहता, यो ही हर एक बात का कोई न कोई उत्तर दे देता है, यो ही बहाना बाजी करता है। तो इस पक्षी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि जो ज्ञाननिष्ठ बच्चे हो वह कभी भी किसी कार्य को करने के समय बहाना नहीं बनाएंगे और ऊंट पक्षी की तरह इनकार नहीं करेंगे, परंतु जिनमें ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी या जिनमें आलस्य का विकार होगा, वे ऊंट पक्षी की तरह कोई न कोई जवाब देकर चल देंगे। बाबा कहते कि आप ऊंट पक्षी मत बनो। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि वह जहाँ पर गंध करता है वही उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। इतना बड़ा कदबूत होते हुए भी उसमें यह समझ नहीं है। जिन लोगों का मन काम विकार से पैदा हुए शरीरों को देखकर फिसल जाता है और उन्हें धर्म से गिरा देता है, उसके बारे में बाबा कहते कि ये तो ऊंट के समान मूत में फिसल जाते हैं, क्योंकि यह शरीर ऐसे ही तो पैदा हुआ है और उस पर इसका मन फिसल गया है। यह इतना गंदा है, इसे समझ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है चातक और मछली का। बाबा यह गुण बताया करते कि चातक वर्षा के जल के लिए तड़पता है और मछली भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान का चातक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा अब जो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं उसके बिना उसे एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है घोड़ी। ज्ञान लेने वाला जो मनुष्य शिव बाबा के कहने के अनुसार न चले, उसके लिए बाबा कहते कि वह बेलगाम घोड़ी है। जैसे बेलगाम घोड़ी अपने मालिक से स्वयं को छुड़ाकर भाग जाती है और किसी वृक्ष या मोटर से टकराती या खड्डे में गिरकर टांग तोड़ती अथवा सिर फोड़ती है, वैसे ही उस मनुष्य का हाल होता है जो अपने मन वचन और कर्म की लगाम शिव बाबा के हाथ में न दे, अर्थात उनकी श्रेष्ठ मत अनुसार न चले।
बाबा कहते कि ज्ञान वत्स को चाहिए कि वह बेलगाम घोड़ी न बने। नेक्स्ट पॉइंट है बंदर। बाबा कहते कि बंदर में पांचों विकार प्रधान होते हैं। उसमें मोह इतना होता है कि चाहे उसका बच्चा टुकड़े टुकड़े हो जाए, बंदरिया उसे अपनी छाती से लटकाए रहती है। उनमें क्रोध और अहंकार भी बहुत होता है, इतना कि यदि हाथी गुजरे तो वह उनसे कमजोर होते हुए भी हाथियों पर गुर गुर करते हैं। उनमें काम भी बहुत होता है, तभी तो वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। लोभ उनमें इतना होता है कि आप यदि उनके आगे चने डाले तो वे खाकर पेट भर लेने के बाद भी लपक लपक कर इतनी जल्दी से और भी चने उठाने जाते हैं। जैसे कि जन्म से लेकर आज तक इन्होंने कुछ खाया ही न हो। इस प्रकार बंदर या बंदरिया का उदाहरण देकर बाबा कहते कि आज सभी मनुष्य बंदर से भी तुच्छ है, क्योंकि उनमें पांचों विकार तो सब भरे हुए हैं ही। इसके अतिरिक्त वे परमपिता परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं जानते। बाबा कहते कि अब शिव बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाने आए हैं। आज सभी मनुष्य बंदर अथवा लंगूर है। वे परस्पर लड़ते रहते हैं और विकारों में जकड़े हुए हैं। अब इन्हीं बंदरों को माया रूपी रावण से ज्ञान रूपी बाणों द्वारा लड़ना सिखाकर शिव बाबा लंका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। अतः आप सभी को बंदरपन छोड़कर बंदरिया जैसी मोह ममता त्याग कर राम अर्थात शिव की वानर सेना में भर्ती हो माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ठाठारी बिल्ली। बाबा समझाते कि मनुष्य को ठाठारी बिल्ली अर्थात जिद्दी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा कहते कि जैसे उल्लू को दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता, या जैसे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, वैसे ही आजकल के मनुष्य भी मानो उल्टे लटके हुए हैं, और उन्हें ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जो कि अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश फैला रहे हैं, दिखाई नहीं देता। वह शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, कल्प की आयु करोड़ों वर्ष माने बैठे हैं, और गीता का भगवान अजन्मा परमात्मा के बजाय 84 जन्मों के चक्र में आने वाले श्री कृष्ण को माने बैठे हैं, और इस प्रकार उल्टे लटके हुए हैं, अर्थात उल्लू के समान अंधे बने हुए हैं। बाबा कहते हैं कि अब मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान ले ताकि उसे ज्ञान नेत्र मिले और वह उल्लू से बदलकर अल्लाह का बच्चा बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बिच्छू टिंडन। शास्त्रों में लिखा है कि जब शिव मोहिनी वर्षा कामातुर हो गया तो उसके बीज से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। बाबा कहा करते कि अज्ञानी पुरुषों ने यह शिव बाबा पर मिथ्या लांछन लगाया है, क्योंकि वास्तव में यह शिव बाबा के बच्चों अर्थात मनुष्य आत्माओं पर घटता है। जब मनुष्य आत्माएं द्वापर युग में अपने पवित्र स्वरूप को भूलकर
पतित हो जाती है तो वह काम के वशीभूत हो जाती है। तब से लेकर उनकी जो संतति काम विकार से पैदा होती है वह बिच्छू और टिंडन की तरह होती है, अर्थात उसमें दूसरों को दुख देने का स्वभाव होता है। अतः आजकल के मनुष्यों का जो बिच्छू और टिंडन जैसा स्वभाव है उसका कारण काम विकार को ठहराते हुए बाबा कहते कि अब आप काम विकार को छोड़ो तो फिर सतयुग आ जाएगा और उसमें पवित्रता बल से जो सृष्टि पैदा होगी वह पिच्छू टिंडन की तरह मलेच्छ नहीं होगी बल्कि पवित्र और देव स्वभाव की होगी। पिच्छू के बारे में बाबा एक बात और भी बताया करते। बाबा कहते कि बिच्छू पहले डंग से देखता है कि यह जगह नरम है या सख्त। जगह को नरम पाकर ही वह डंक मारता है। इस प्रकार इतनी समझ तो बिच्छू में भी है कि कहाँ डंक मारना है और कहाँ नहीं मारना या काटना। इससे ज्ञानवान मनुष्य को यह गुण लेना चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान उसी को दे जो उसे कुछ सुनने का इच्छुक भी हो, अर्थात जिसके मन में सुनाने वाले के प्रति नरमी भी हो, वरना सुनाना व्यर्थ है। इस प्रकार इस विषैले जीव से भी बाबा लेने की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन मनुष्य की सदा काम की दृष्टि वृत्ति बनी रहती है उनके बारे में बाबा कहते कि ये तो कामी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते के कई बच्चे पैदा होते हैं और उसमें वासना बहुत अधिक होती है, वैसा ही यह मनुष्य भी है। अतः बाबा कहते कि देखो आज मनुष्य कितना गिर गया है, अपने परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण वह गॉड से बदलकर डॉग बन गया है। बाबा कहते कि अब यह कुत्ते जैसा वासनापूर्ण स्वभाव छोड़ो और पवित्र बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, टिड्डी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि टिड्डियों के झुंड अर्थात टिड्डी दल सारे क्षेत्र को दूसरों की मेहनत की कमाई को चट कर जाता है। बाबा कहते कि यह भी एक अवगुण है। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की सेवा करे, वह बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई ना खाए। जो सन्यासी भी गृहस्थियों का भला किए बिना अथवा परिश्रम किए बिना उनकी मेहनत की कमाई खाते हैं वह भी टिड्डी दल के समान है। विभिन्न व्यवसायों से भी गुण कैसे ग्रहण करें? पहला है वकील अथवा बैरिस्टर। बाबा समझाते कि जो फौजी वकील होते हैं वे न्यायालय में ऐसे मुकदमे लड़ते हैं जिनकी सजा मनुष्य को आयु भर कैद अथवा फांसी भी हो सकती है। अतः वे उस मुकदमे के लिए पूरी तैयारी करते हैं, जरूरी जरूरी कानूनी बातों को नोट करते हैं, कौन सी पॉइंट पहले देनी है कौन सी बाद में, यह भी वे पहले से अपने मन में सोच लेते हैं। यह उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि आप बच्चे भी एक प्रकार के वकील हैं। शिव बाबा आपको जो ज्ञान दे रहे हैं इसमें आपको यह मालूम होता है कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए तथा वर्जित अथवा निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य को क्या दंड मिलता है।
अतः यह ज्ञान भी एक प्रकार का कानूनी ज्ञान है और आप एक ऐसे वकील का काम करते हैं जो श्रेष्ठाचारी बनाकर धर्मराज के डंडे से, गर्भ जेल से और या कि फांसी से छुड़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पहले से ही सोच रखना चाहिए कि कोई जिज्ञासु क्या प्रश्न पूछ सकता है और हम उसे कैसे सहमत बनाकर उसे माया के जाल से निकाले। डॉक्टर और कंपाउंडर। पहला है, बाबा कहते कि जो होशियार डॉक्टर होता है उसे बहुत दवाइयाँ मालूम होती है और वह बड़ी शीघ्रता से रोगी को स्वस्थ कर देता है। यदि वह समय पर ठीक दवाई न दे तो रोगी मर भी सकता है। यह उदाहरण देते हुए बाबा कि ये डॉक्टर लोग तो शरीर संबंधी रोगों का ही इलाज करते हैं। उन द्वारा दी गई दवा मनुष्य को सभी रोगों से और सदाकाल के लिए नहीं बचा सकती, परंतु शिव बाबा जो आपको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, यह वास्तव में अमृत धारा अथवा संजीवनी बूटी है। यह परम औषधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब मनुष्य आत्मा इस ज्ञानामृत का सेवन करती है अथवा यह ज्ञान रूपी संजीवनी सूंघती है तो मनुष्य के जीवन में इतना तो अंतर आ जाता है कि जैसे मृतक में रूह वापस लौट आई हो अथवा निष्प्राण मनुष्य प्राणयुक्त हो गया हो। यह जो ईश्वरीय योग आप सीखते हैं वह एक ऐसे इंजेक्शन का काम करता है कि जिस द्वारा विकार रूपी कीटाणु मर जाते और आत्मा में शक्ति बढ़ती हुई मालूम होती है। यह योग ही आत्मा के लिए टॉनिक भी है और ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स अनेक प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व है। इस प्रकार बाबा कहते कि आप लोग भी डॉक्टर हैं, आप आत्माओं के चिकित्सक हैं अथवा रूहानी सर्जन हैं। आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, सुस्ती, आलस्य आदि आदि जो पुरानी बीमारियां लगी हुई है, आप उनसे मनुष्य को सदाकाल के लिए छुड़ा सकते हैं और उसे 21 जन्मों के लिए सदा स्वस्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते कि अगर आप में से कोई भी अल्प बुद्धि अथवा कड़े संस्कारों के कारण अच्छा डॉक्टर नहीं भी बन सकता तो कम से कम कंपाउंडर ही बन जाए। बाबा बताते कि रोगी के घाव पर थोड़ा सा टिंचर लगा देना, छोटे मोटे घाव की मरहम पट्टी कर देना, जो इंजेक्शन डॉक्टर बताए अथवा जो दवाई नुस्खे में लिख दे वह रोगी को दे देना और यदि किसी संकट की परिस्थिति में डॉक्टर अनुपस्थित हो तो प्रथम सेवा का कार्य निपटा देना, इतना तो कंपाउंडर भी कर लेता है। जीवन बीमा अर्थात लाइफ इंश्योरेंस। पहला है, बीमे के धंधे के बारे में समझाते हुए बाबा कहते कि जो मनुष्य अपने जीवन का, घर का अथवा सामान का बीमा करा देते हैं, उन्हें बीमे की अवधि के अंत में वह रकम मिल जाती है और यदि उससे पहले ही मनुष्य की किसी दुर्घटना या रोग आदि से मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस को निश्चित धनराशि मिल जाती है। इसका उल्लेख करते हुए बाबा बताते
कि ईश्वर के शरणागत होना भी इस प्रकार का बीमा कराना ही है। बीमा कंपनियों में जो लोग बीमा कराते हैं, वह तो हर मास, 3 मास, 6 मास अथवा वर्ष के बाद बीमा किश्त अर्थात प्रीमियम भरते हैं, और यदि वे अवधि के पहले मर जाए तो उनके पीछे दूसरों को ही वह अल्प धनराशि मिल जाती है। परंतु जो लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं अर्थात तन मन धन सहित उसी के हो जाते हैं, अपना सर्वस्व उसके हवाले कर देते हैं, वे गोया एक बार ही प्रीमियम भर देते हैं। परंतु इसके एवज में उन्हें स्वर्गिक सृष्टि में दैवी स्वराज्य में जन्म जन्मांतर के लिए सतो प्रधान और असीम धन धान्य और सुख संपत्ति और सुविधा सब चीजों की प्राप्ति होती है। जवाहिर पहला है, बाबा कहते बच्चे जवाहिरी का धंधा बहुत ऊंचा होता है। उस धंधे में मनुष्य को परख शक्ति बहुत चाहिए, क्योंकि झूठे हीरे भी ऐसे होते हैं कि देखने में बिल्कुल सच्चे मालूम होते हैं, और अच्छे अच्छे जवाहिरी भी परखते समय धोखा खा लेते हैं। जिनमें परख शक्ति होती है वे दृष्टि डालते ही झट समझ जाते हैं कि यह हीरा सच्चा है या झूठा, ये फ्लो वाला है या बिना फ्लो के, ये ऊंची किस्म का है या हल्का सलका, इससे ही वे उसका दाम झट से बता देते हैं। आप बच्चे भी वास्तव में जवाहिरात का धंधा करते हो, क्योंकि ज्ञान सागर शिव बाबा से जो शिक्षाएं आप ले रहे हो उसका एक एक वचन कई हीरो के बराबर है। उस ज्ञान की धारणा से उसका जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन जाता है। बाबा समझाते हैं कि ज्ञान की हर बात को अविनाशी रत्न अथवा अनमोल हीरा समझकर जब आप धारण करोगे तो भविष्य में आप ऐसी सुखमय सृष्टि में जाओगे जहां आपके खजाने में अनगिनत हीरे होंगे। खजाने में ही नहीं, आपके महलों की छतें भी रत्न जड़ित होंगी और सोने की चादरों से मढ़ी हुई दीवारों में हीरे मोती आपके महलों में कांति से फैलाएंगे। सुनार पहला है, सुनार के धंधे की चर्चा करते हुए बाबा कहते कि हर एक सुनार जानता है कि सोने को शुद्ध कैसे करना है। बाबा बताते कि जब सोने के जेवर बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े कुछ और धातु भी मिलाए जाते हैं, परंतु फिर जब सुनार उन्हें अपनी भट्टी में तपाता और पिघलाता है तो उस रीति से वह सोने से अन्य धातुओं को अलग कर देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो परमपिता परमात्मा ही सबसे बड़ा सुनार है, क्योंकि वह योग रूपी भट्टी में आत्माओं को तपाकर उन्हें बुरे संस्कार और ऊपर कचड़े से अलग कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा बताते कि सतयुग अथवा स्वर्ण युग में यह आत्मा सच्चे सोने के समान शुद्ध थी। वहां यह 16 कला संपूर्ण पवित्र थी। फिर कलयुग अर्थात लौह युग में इसमें तमोगुण की मिलावट हुई और अब तो यह सोने की बजाय मानो मुलम्मा ही हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार सोना और सोने के मिश्रण की अवस्था का उल्लेख करते हुए बाबा कहते बच्चे, जैसे सुनार ही सोने से
अन्य धातुओं को अलग करने की विद्या जानता है, वैसे ही शिव बाबा ही एकमात्र ऐसा सच्चा सुनार है जो मनुष्य आत्माओं को विकारों की खाद से अलग कर उन्हें सच्चे सोने की तरह शुद्ध बना सकता है। वह सहज ज्ञान योग की भट्टी तपाता है। मट्टा सट्टा। पहला है, बाबा कहते कि इस धंधे के लोग फटे पुराने कपड़े लेकर, घिसे टूटे बर्तन लेकर उनके बदले में हिसाब अनुसार नए बर्तन दे देते हैं। यह कैसा विचित्र धंधा है। पुराने कपड़े देने वाला भी खुश हो जाता है कि घर से कबाड़ निकल गया और दैनिक प्रयोग में आने वाले नए बर्तन मिल गए, और मट्टा सट्टा वाला भी प्रसन्न हो जाता कि चलो अच्छा सौदा हो गया, अब मैं इन पुराने कपड़ों को ज़्यादा दामों में बेचकर कुछ पैसा बना लूँगा। इस प्रकार बाबा समझाते कि परमपिता परमात्मा भी मट्टा सट्टा करते हैं। हमारा यह शरीर रूपी पुराना वस्त्र और पुराना बर्तन लेकर वो हमें सतयुगी दैवी शरीर और सब कुछ उच्च दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते सारे कल्प में आत्माओं के साथ इस प्रकार का मट्टा सट्टा शिव बाबा एक ही बार करते हैं, इसीलिए अब ही ऐसा अवसर है कि आपके मन में जो कबाड़ खाना है अथवा जो भी कुछ पुराना सुराना माल असबाब आपके पास है, वह उसको देकर उससे सब कुछ नया लेने के हकदार बन जाओ। मेहतर अथवा भंगी। पहला है, बाबा कहते कि संसार में जो सबसे खराब धंधे हैं, उनमें से मेहतर का धंधा तथा सिर पर कूड़ा उठाने वाले भंगी का धंधा सबसे ज़्यादा खराब है। भंगी का काम बड़ा अस्वस्थ है, परंतु जो मनुष्य कामातुर है वह भी कूड़ा ढोने वाले भंगी से किसी प्रकार कम नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान मनुष्य के निकृष्ट अंगों पर लगा रहता है, और इस कलयुगी गंदगी से भरे हुए शरीर पर वह लट्टू हुए रहते हैं। बाबा समझाते कि भंगी तो सिर पर कूड़ा उठाता है, किंतु काम मनुष्य को विष का सेवन करते हैं। अतः कामी मनुष्यों का धंधा सबसे खराब है। उनसे तो मेहतर भी बेहतर है, क्योंकि फिर भी वे तो सफाई करके मनुष्य की सेवा करते हैं। इस प्रकार बाबा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए प्रेरित करते हैं। कथावाचक अथवा पंडित। पहला है, बाबा कहते आज कुछ लोगों का धंधा केवल कथा वाचना ही रह गया है। किसी शास्त्र अथवा पुराण को लेकर नर नारियों को इकट्ठा करके वे उनको बढ़ा चढ़ाकर कथाओं की व्याख्या देते हैं, और इस प्रकार अपनी आजीविका के लिए सामग्री जुटाते हैं। वे केवल कथा कहने का ही धंधा करते हैं। जीवन में पवित्रता और उच्च गुणों की धारणा करने कराने पर ध्यान नहीं देते, न वे स्वयं निर्विकारी बनते हैं, न ही वे सत्य वचन महाराज कहने वाले अंधश्रद्धालु श्रोताओं के आचरण को षट विकार से रहित बनाने के कार्य में परिश्रम करते हैं। इस प्रकार का धंधा करने वाले लोगों की ओर संकेत करते हुए बाबा कहते कि आप बच्चों को कोरा कथावाचक नहीं बनना है, बल्कि उच्च गुणों की धारणा करनी है। मुख से दूसरों को ही
केवल ज्ञान नहीं सुनाना बल्कि उस ज्ञान के अनुरूप ही अपना भी जीवन बनाना है। माली पहला है। बाबा कहते, माली अपने फूलों की बड़ी संभाल रखता है। वह समय पर पौधों को पानी देता है और चिड़िया तथा पक्षी नन्हे नन्हे पौधों को चट न कर जाए इस संकट से फूलों की रखवाली करता है। कोमल कोमल पौधे बिन खिली कलियां कहीं पानी की परवरिश के बिना मुरझा न जाए। कोई जंगली पशु घुस आकर बगीचे को लताड़ और उजाड़ न जाए इस बात की वह चौकसी करता है। और फिर वह लगती हुई कलियों और खिलते हुए फूलों को देख देख कर खुश होता है। इस उदाहरण से बाबा स्पष्ट करते कि आज सभी मनुष्य भी ज्ञान रूपी जल के बिना मानो सूखे अथवा मुरझाए पड़े हैं। अब शिव बाबा जो कि वास्तविक ज्ञान की वर्षा करने वाला इंद्र भी है और सर्वश्रेष्ठ माली भी है, आकर ज्ञान जल देकर मनुष्य रूपी पौधों को फिर हरा भरा कर रहा है। वह माया रूपी चिड़िया से अथवा विकल्पों की तेज आंधी से ज्ञान जल से उगे इन मानवी फूलों की एक कुशल माली की तरह संभाल करता है, देख रेख भी और रखवाली भी। ब्राह्मण पहला है। बाबा कहते, ब्राह्मणों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जगह जगह लोगों के निमंत्रण पर जाकर कथा सुनाते हैं। कभी वे सत्यनारायण की कथा करते हैं तो कभी शिव पार्वती की अमर कथा करते हैं। कभी वे तीजरी की कथा का व्याख्यान करते हैं तो कभी गरुड़ पुराण में से कोई पसंद लेकर चर्चा करते हैं। पिछले दो युगों में वे लोग लिखी अथवा सुनी हुई कथाएं बिना अनुभव किए हुए ही सुनाते रहे हैं। परंतु अब जबकि आपने शिव से सन्मुख ही ये अमर कथा, राम कथा अथवा भागवत कथा सुनी है और आप स्वयं उस कथा के एक पाठधारी है, तो आप यह आप बीती अथवा आत्मानुभूत तथा जगह जगह नर नारियों को सुनाओ। चमार पहला है। बाबा कहते, लोग यही समझते हैं कि जो मनुष्य चमड़ा से संबंधित कोई भी कार्य करता है, जूते बनाता है, चमड़े के बक्से बनाता है, चमड़ों को धोकर सुखाता है और उन्हें रंगता है, वह चमार है। वह निकृष्ट अथवा अशुद्ध काम करने वाला निम्न जाति अथवा शूद्र जाति का पुरुष है। परंतु यदि ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो वास्तव में आज सभी लोग चमार हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे को चमड़ी की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात काला है या गोरा, सुंदर है या कुरूप है, युवा है या वृद्ध, नर है या नारी, इस दृष्टि से व्यवहार करते हैं। भ्रुकुटी में बैठी हुई जो आत्मा है उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अतः देह रूपी चमड़े को ध्यान में रखते हुए जो कार्य व्यापार कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वह भी तो एक प्रकार से शूद्र ही ठहरे। वे चमड़े के ही भोग विलास में लगे हुए हैं। सच्चा ब्राह्मण अथवा सवर्ण वह है जो कि चमड़े की दृष्टि अर्थात देह अभिमान से ऊपर उठकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है। कसाई अथवा जल्लाद पहला है।
बाबा कहते, कसाई का धंधा बहुत बेरहमी अर्थात निर्दयता का धंधा है। कसाई और जल्लाद दोनों ही जीव हत्या के दोषी है, परंतु यदि ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो जो काम कटारी चलाता है वह भी कसाई अथवा जल्लाद से कम नहीं, बल्कि वह तो और भी अधिक पापी और दोषी है, क्योंकि जल्लाद अथवा कसाई तो जीव प्राणी को मारकर उनके एक जन्म में उन्हें दुख देते हैं, परंतु कामी मनुष्य तो जीते जी काम कटारी मारकर गोया आत्मा का हनन करता है। इसे तो नरक का द्वार कहा गया है। यह काम कटारी खाने वाला तो नरकगामी होता है अर्थात अधोपतन की ओर जाता है। काम कटारी से तो मनुष्य को जन्म जन्मांतर के लिए आदि मध्य अंत तीनों कालों के लिए दुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।